का शीर्ष मुखिया जननायक अगर ऐसा कहे तो उससे क्या प्रेरणा लेगी आप जनता? देखिए, एक कर तो कुछ पाते नहीं है उन अधिकारियों का, सिर्फ बयानबाजी दे के आम आदमी के बीच में क्या मैसेज दे पाते हैं? किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी बताइए? भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे नौकर था, आज भी उन पदों पर बैठे हुए हैं, आज भी कितने सारे शीर्ष लोगों के ऊपर जांचें चल रही हैं और कितना क्या क्या नहीं होता है, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है। ओ, और किसी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई कर देने से, हवलदार के खिलाफ कार्रवाई कर देने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। देखिए शिशिर जी, सही आपने कहा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कि ऐसा ऐसे ऐसे कानून लेके आई है जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। आज से पहले कभी कानून नहीं था कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनकी संपत्ति संपत्ति जब्त। राजसात जी होगी, उसमें जी शासकीय कार्य, बहुत जन अच्छा कदम था ये कल्याणकारी मुख्यमंत्री कार्य जी हैं, का, बिल्कुल तो जी मैं अभिनंदनीय। अब देखिए जी शिवराज जी के लिए क्या क्या नहीं बोला जाता है। अभी नहीं, आपने कहा या शिवराज शिवराज जी जी हो बहुत या अच्छा मोदी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी, काम कर सकते हैं, लेकिन क्या नौकर साहब और उनके बाकी साथी उनका साथ दे पा रहे हैं? हाँ ये बात जरूर है कि साथी तो साथ दे रहे हैं उनके, सत्ता जो साथ में है, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी जरूर जिस तरीके से आम सामने आया, तो मेरे को लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कठोर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। क्योंकि एक चुने एक मुख्यमंत्री, आप देखिए वो मुख्यमंत्री जी जाते हैं और उनको खुद पानी का अपव्यय हो रहा होता है, तो उसको रोकने के, बंद करने के लिए स्वयं उठ करके उनको मोटर बंद करते हैं। एक वो कितना अच्छा संदेश देते हैं, संसाधनों का समुचित उपयोग हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरी तरफ ये बात जाती है कि ब्यूरोक्रेसी पे बहुत गंभीरता से लगाम लगानी चाहिए। और ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं कहता हूं टॉप टू बॉटम, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं।